क्या नाम है वो ट्रैकिंग साइड में, तब भी जब धूप था इतना गर्मी था तब वहाँ पे, और जब से मैं धूप जब से चला गया तब से ठंड बढ़ गया, और पहले इतना पसीना निकल रहा था, अब पूरा थक चला गया, अभी नाक बंद हो रहा है मेरा। हाँ गुड डे दे दो। यस मैं सोच रहा हूँ आज रात को रुकू कहाँ पे, कौन से होटल पे रुकू। भैया यहाँ पे होटल मिलेगा कहीं पे? होटल होटल सामने इधर भी नहीं, शिलोंग पे जाना होगा ना। शिलोंग जाने पे तो वो जो एक चेरापुंजी का रास्ता जो इस तरफ जाता है वहाँ पे कुछ मिलेगा? उधर तो मिलेगा, इधर उमतंगार मिलेम न्योमेर न्योमेर उधर से आराम से मिलेगा, इधर तो मुश्किल है होम से। हाँ उधर तो नहीं मिलेगा, इधर तो बस्ती आदमी है। उधर न्यू मैप पूछ गया ना, उधर तो आराम से मिलेगा। कितना दूर है यहाँ से? दूर नहीं, यहाँ से बाइक से न्यूमेर आधा घंटा भी नहीं। आधा घंटा? आधा क्या नाम है? न्यूमेर 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 नहीं तो मिले, न्यूमेर नहीं तो मिले, मिले ठीक है। इधर तो पूछती थी इधर ठीक है। कहाँ से आए? मैं सिलचर से आया। हम भी शिलोंग रहता है। शिलोंग रहता है? ठीक है फिर चलते हैं। न्यू मेयर मिल से ना इधर से पूछो आदमी से। ठीक है ठीक है चलते हैं। और अभी थोड़ा ब्लॉगिंग बंद करते हैं और होटल का बंदोबस्त करते हैं। दिखाई दिया ग्लास में, इतना ठंड है यहाँ पे, और डाउकी में इतना ज्यादा गर्मी था। भैया यहाँ पे कहीं पे होम स्टे या फिर कोई रूम मिल जाएगा रहने के लिए आपको? काफी मिलेगा। मुझे रूम चाहिए। रूम तो नहीं, रूम नहीं है, होटल भी नहीं है क्या आपके पास? ओके थैंक यू। बोल रहे टेंट लगाने के लिए, मतलब ये टेंट पे रहने के लिए या फिर मेरा टेंट पे रहने के लिए वो जगह देंगे, पर भाई मुझे टेंट नहीं लगाना आज, मुझे रूम चाहिए क्योंकि आज थक गया मैं बहुत। एक पोस्टर दिखा मुझे, फाइन मिलो उसका देखता हूँ बात करते हैं। कॉल है
मस्त खाना वाना अभी हो गया, और अभी मैं हूँ अपर शिलोंग में, तो मुझे होटल नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद, 1 घंटा ढूंढने के बाद एक ओयो मिला, और वो चार्ज कर रहे थे मुझसे 1500। तो बार्गेनिंग किया मैंने, बार्गेनिंग करने के बाद वो 800 पे वो मान गए। और ये डबल डबल बेड है, डबल बेड का रूम है, तो उन्होंने मुझे दे दिया 800 का सिर्फ आज रात के लिए। तो ये रूम कुछ ऐसे दिखता है, ये डबल बेड है, एक टीवी, ये मेरा लगेज, ये एक छोटा सा फैन, और ये है बाथरूम, और यहाँ पे गीजर लगा हुआ है, तो आराम से नहा सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, वो जो ट्रैकिंग था, माओरिंगखांग ट्रैक जो था, वो ट्रैकिंग बहुत ही डेंजरस था। और अगर किसी को ये ट्रैक में जाना है तो प्लीज़ अपने अपने साथ में किसी को लेके आइएगा, क्योंकि ट्रैक बहुत ही डेंजरस है। ऐसे वीडियो में जैसे दिखता है वैसे बिल्कुल भी नहीं है, आंखों से जब दिखोगे ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वीडियो में तो उतना पता नहीं चलता, पता नहीं पता चला होगा या नहीं होगा, पर मैंने आंखों से देखा है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आना है किसी को तो अकेला बिल्कुल मत आना, किसी को साथ में लेके आना। तो ओयो ओयो में मुझे रूम के साथ ये मिला, आयुर्वेदिक का ओयो का कुछ मॉइस्चराइजर और बॉडी वॉश कुछ है उस पैकेट के अंदर, तो ये दिया उन लोगों ने मुझे आज के लिए। नहाऊंगा मैं इससे अभी। अभी मेरे साथ क्या हुआ पता है, मैं नहाने गया अंदर, और मैं नहाने गया, मैं आधा घंटे से गीजर ऑन करके रखा है, वो ऑन ही नहीं हो रहा है। मतलब ऑन हो रहा है, ग्रीन लाइट जला है, पर गर्म नहीं हो रहा है पानी। और मैं आधा घंटे से ठंड में यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि पानी क्यों नहीं निकल रहा, पानी क्यों नहीं निकल रहा। पूरा आधा बाल्टी पानी ठंडा निकला, उसके बाद गर्म पानी निकला। पोपट हो गया पूरा मेरे साथ। एक तो पूरा दिन इतना ट्रैकिंग किया, पैरों में भी दर्द कर रहा है, हाथ में भी, कमर में भी, सब में दर्द कर रहा है, और ऊपर से मैं यहाँ पे आधे घंटे से बाथरूम में खड़ा था कि गीजर से पानी क्यों नहीं आ रहा, गर्म पानी। मुझे लगा गीजर खराब हो गया है शायद। ठीक है फिर, मस्त नहाना वहाना हो गया अभी। अभी रात के 11 बजे हैं, तो अभी मैं सोऊंगा और कल एक नए डेस्टिनेशन पे निकलेंगे, तो कल का अपडेट मैं कल दूंगा कि कल मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। तो अभी के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। It was at this moment he knew he fucked up. तो गाइस अभी हमारे साथ पॉपर्ट हो गया। मैं ऐसे हाथ पे रख के कल कुछ देख रहा था, और ऐसे देखते देखते मेरा आंख लग गया था, और फिर आंख लगने के बाद मेरा हाथ से मोबाइल छूट के नीचे गिर गया फ्लोर पे, और फ्लोर पे गिर के इसका डिस्प्ले चला गया, दिमाग खराब हो गया। सुबह सुबह अचानक से मेरा नींद खुला, नींद खुल के मैं देखता हूँ कि ये नीचे गिरा हुआ है। पूरा प्लान चौपट हो गया। अभी मैं जाऊंगा, ये डिस्प्ले ठीक कराऊंगा, फिर देखते क्या होता है। तो गाइस मेरे साथ थोड़ा पोपट हो गया। मैं जब शिलोंग अपर शिलोंग में था, जब मैं वो ट्रैक करके आया, फिर अपर शिलोंग में मैं होटल पे रहा एक रात के लिए, तो मैं तब मोबाइल हाथ में रख के सो रहा था, और मुझे अचानक से नींद लग गया, क्योंकि मैं पूरा पूरा दिन ट्रैकिंग किया तो बहुत थक गया था। तो नींद आने के बाद हाथ में मोबाइल था और मैं सो गया था, और मोबाइल सोने के बाद मेरे हाथ से नीचे गिर गया और उसका डिस्प्ले टूट गया। तो उसके बाद तो मुझे डिस्प्ले नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपर शिलोंग में वो थोड़ा बैकवर्ड जगह है, तो मतलब कि मुझे डिस्प्ले नहीं मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गुवाहाटी जाऊंगा, फिर मैं गुवाहाटी चला गया। तो मैं गुवाहाटी में रहा 2 दिन, गुवाहाटी में जाकर मैंने डिस्प्ले उस्प्ले लगाया, थोड़ा घूमा, पूजा का टाइम था थोड़ा घूमा। उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ
घर जा रहा हूँ। तो ये ट्रिप यहाँ पे ही एंड होता है। तो मुझे बहुत मज़ा आया इस ट्रिप, ट्रैकिंग किया मैंने, कैंपिंग किया, उसके बाद वाटरफॉल्स भी देखे, बहुत सारे मज़ा आया। तो ये 4-5 दिन मेरे लाइफ के सबसे सबसे बेस्ट डेज था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये ट्रिप यहाँ पे ही एंड होता है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कैंपिंग भी बहुत बढ़िया था, ट्रैकिंग भी बहुत बढ़िया था। मैंने ज़िंदगी में इतना मतलब कि ख़तरनाक ट्रैक कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हालांकि मुझे 2-3 दिन पैरों में बहुत दर्द हुआ, 2 दिन तक, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, पर मज़ा बहुत आया। तो इस ट्रिप को मैं बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप को। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल अभी गुवाहाटी से सिलचर के रोड के बीच में हूँ अभी। इस जगह का नाम शायद कैलरिया है, हाँ शायद कैलरिया है। तो वहाँ पे हूँ, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रिप एंड होता है। तो अभी आपसे नेक्स्ट, कभी नेक्स्ट जब मुलाकात होगा तो नए किसी डेस्टिनेशन पे, नए किसी ट्रिप में मुलाकात होगा, जब ये नया एक ट्रिप में दूसरा एक कोई ट्रिप प्लान करूँगा, उस ट्रिप में जाऊँगा, तभी मुलाकात होगा। तो फिलहाल आई होप कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप को। तो इस ट्रिप को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, साइन आउट, टाटा।